ये बिल्कुल गलत है। मोदी जी फंसाना चाहते हैं पर वो खुद फंस रहे हैं। जंगल अडानी को, अंबानी को, बाबा रामदेव को, किसी को भी दिया जाएगा ये हमें मंजूर नहीं है। कॉर्पोरेट्स में अडानी जैसे कि पोलखोल होने के बाद तो आज तो उनको अपना दिल और दिमाग किसानों की स्थिति पर लगाना चाहिए। वो हिडन बर्ग की रिपोर्ट है, वो हिडन बग छुपा हुआ खटमल बाहर ला चुका है। निर्मला सीतारमन जी के पति को आप सुनिए, फिर आपको सच्चाई मालूम पड़ेगी। क्या कह रहे हैं वो? पूरा कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बर्बाद की जा रही है। बजट को लेकर वो कमेंट करते हैं, वो पूरे आर्थिक नीतियों पर कमेंट करते हैं और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आत्महत्या जारी है, किसानों की खेती की जमीन कहीं अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए, कहीं खदानों के लिए। वापस लेने की, लेकिन हम केवल कानून की वापसी नहीं चाहते थे, कॉर्पोरेटीकरण की वापसी चाहते थे। कानून वापस लेने के बाद भी, जबकि पिछले दरवाजे से बिल गेट्स फाउंडेशन की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को भूमि अभिलेख, लैंड रिकॉर्ड्स की जिम्मेदारी दी है, ये बिल्कुल गलत है। मोदी जी फंसाना चाहते हैं पर वो खुद फंस रहे हैं। कॉर्पोरेट्स में अडानी जैसे कि पोलखोल होने के बाद तो आज तो उनको अपना दिल और दिमाग किसानों की स्थिति पर लगाना चाहिए। आत्महत्या जारी है, किसानों की खेती की जमीन कहीं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए, कहीं खदानों के लिए, कहीं हाईवेज और फ्लाईओवर के लिए, जो छीनी जा रही है, जो बर्बाद की जा रही है, वो पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज है, वो इकोनॉमिक क्लाइमेट चेंज है और अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था का गठजोड़ है। और इसीलिए किसान आंदोलन ही इस देश का जनतंत्र बचाएगा, संविधान बचाएगा, जल जंगल जमीन बचाएगा। अभी जंगल को हस्तांतरित करने के लिए इन्होंने एक नई साजिश चलाई है। 1980 का जो जंगल सुरक्षा कानून, वन सुरक्षा कानून, उसके नियम 2003 से बनते आए, अब बदलकर 2022 में मोदी सरकार ने जो पिछले अगस्त में संसद के सामने पेश किए हैं, वो अगर पारित होंगे तो आदिवासियों की ग्राम सभा को न पूछते हुए जंगल अडानी को, अंबानी को, बाबा रामदेव को, किसी को भी दिया जाएगा ये हमें मंजूर नहीं है। फसल बीमा में 5 साल में 45,000 करोड़ रुपए कंपनियों ने कमाए हैं और जब ओलावृष्टि होती है, सूखा पड़ता है, तब किसानों को भरपाई नहीं मिलती है, हमें ये मंजूर नहीं है। बिजली बिल आज भी पेंडिंग रखा है, अगर बिजली बिल बढ़ेगा, और वो किस लिए? मुंबई जैसा भी महाराष्ट्र का पूरा बिजली विभाग वो अडानी को देना चाहते हैं, तो श्रमिक भी लड़ रहे हैं और किसान भी लड़ रहे हैं। तो ये किसान श्रमिक एकता जिंदाबाद केवल हम नहीं कर रहे हैं, हम लोग इस एकता के द्वारा इन क्रिमिनल कॉरपोरेट से इस देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं, इस देश का विकास बचाना चाहते हैं। हम विकास चाहते हैं। निर्मला सीतारमण तो कह रही हैं देश में कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, अडानी का जो मामला है वो पूरा एक गुब्बारा जैसा है, एक दिन हवा निकल जाएगी। निर्मला सीतारमण जी के पति को आप सुनिए, फिर आपको सच्चाई मालूम पड़ेगी। क्या कह रहे हैं वो? पूरा कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बर्बाद की जा रही है। बजट को लेकर वो कमेंट करते हैं, वो पूरे आर्थिक नीतियों पर कमेंट करते हैं और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अडानी तो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर इल्जाम नहीं है, देश के ऊपर इल्जाम है, देश के ऊपर हमला है। पर ये दोनों दोस्ती के कारण एक ही बात कह रहे हैं, पर जो हिडन बर्ग की रिपोर्ट है, वो हिडन बग छुपा हुआ खटमल बाहर ला चुका है और इसीलिए अब AAA नहीं, A to Z सभी जो केवल पैसे की पूंजी और बाजार पर जीते हैं, अपना मुनाफा लॉकडाउन में भी 6 गुना बढ़ाते हैं, जो 44 लाख करोड़ की कर माफी 8 सालों में ले चुके हैं, जो 30 लाख करोड़ की कर्ज माफी 8 साल में ले चुके हैं, उनकी बात सच्ची कौन मानेगा भाई? 120 करोड़ की जनता 137 करोड़ में से आज सच्चाई बोल रही है। 80 करोड़ की जनता 5 किलो अनाज पर नहीं जी पा रही है। हमारी महिलाओं को इस मंच पर स्थान देंगे ना पूरे पर्याप्त, तो वो अपनी दर्द भरी आवाज उठाएगी जो आज लड़ रही है। राजस्थान से आए हैं हमारे किसान, जो अपनी खेती बचाने के लिए अल्ट्राटेक की, कुमार मंगलम बिरला की, कानून के खिलाफ खदान और विध्वंस करने वाले के सामने लड़ाई लड़ रही है। नर्मदा आंदोलन 37 साल हो गया, आज भी बचे हुए लोगों पर, 50,000 परिवारों को तो ले लिया हमने पुनर्वास, 20,000 परिवारों को जमीन ले ली, लेकिन जो बचे हैं वो किसान हैं, मजदूर हैं, मछुआरे हैं, पर हम लोग उनकी लड़ाई लड़े बिना नहीं रहे। लेकिन मैम जनता क्या